साहस सरोकार। तेजस्वी यादव पहुंचे आरजेडी कार्यालय, पार्टी नेताओं के साथ किया बैठक। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमिनार का आयोजन, उद्योग मंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। घर के पीछे पड़ा मिला युवक का शव, शव मिलने से इलाके में मची सनसनी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। महायोगिनी मेला का शुभारंभ, डीएम एवं एसपी ने किया मेले का उद्घाटन। उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, अवैध शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर भागलपुर से है, जहां कहलगांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल की जीत की जश्न में राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई, जबकि सामने भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे और अगर फायरिंग के दौरान थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो किसी की जान भी जा सकती थी। बता दें, इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मिली थी कि कहलगांव थाना अंतर्गत एक प्रत्याशी फायरिंग करते हुए एक वीडियो में दिखाए गए हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए, पता लगाने के लिए थाना को निर्देश रात में ही दिया गया था। इस पर भी अभी अपडेट लेंगे थोड़ी देर में। इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, चुनाव में मिली जीत के बाद फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला जीत के बाद मणिकांत मंडल वार्ड नंबर 4 से कहलगांव नगर पंचायत से खड़े हुए थे, जिसमें उसको जीत मिली थी। उसके बाद वहां से जैसे गिनती के बाद आने के बाद अपने घर पर अपने समर्थकों के साथ जमकर फायरिंग की, जिसका सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वीडियो वायरल हो रहा। जबकि इस पे एसपी ने कहलगांव थाने को जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जांच का रिपोर्ट नहीं दिया गया है। कृष्णा, बड़ी घटना घट सकती थी, क्या वजह है पुलिस के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? कहलगांव थाने के में बार बार देखा जा रहा है कि ऐसे बार बार घटना हो रही है, लेकिन कहलगांव थाना एकदम मुख दर्शक बनी हुई है। पहले कुछ दिन भी पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ये फिर से दोबारा, ये वीडियो बहुत ही मतलब की दुखदायक वीडियो है और जनता ने साफ साफ आरोप लगाया है कि ये अपना मतलब बल प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब ने आदेश भी दिए हैं। अब देखना होगा कब तक भी इस पर जांच पूरा हो सकता है। जी धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए। खबर पटना से है, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचे और जगदानंद सिंह के साथ लगभग एक घंटे तक बातचीत की। इसके बाद मीडिया कर्मियों के सवाल करने पर उन्होंने कहा कि एनएचआरसी टीम पटना पहुंची, उसको लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जांच कर रही है तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं सुशील कुमार मोदी के बयान पर कहा कि वो इतने ही बेचैन हैं तो वह नरेंद्र मोदी को हटाकर खुद ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते। बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां सरकार ने 75,000 से ज्यादा नौकरियां सृजित की हैं, उस पर आप लोग सवाल नहीं करते हैं। सरकार रोजगार के लिए कितना काम कर रही है। बिहार जितना टेस्ट करा रहा है शायद ही और किसी देश के राज्य में हो रहा होगा, और अब तक जो है बिहार में केवल 3 ही एक्टिव केसेस हैं, मात्र 3 ही जो है कोरोना पेशेंट हैं, बाकी बहुत तेज़ी से काफ़ी बड़े तादाद में जितना सैंपल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और कहीं देश में नहीं हो रहा। और कोरोना को लेकर के डेली राज्य सरकार जो है रिपोर्ट जारी करती है, और कहीं हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन बिहार राज्य ऐसा है जहां डेली प्रतिदिन कोविड को लेकर के रिपोर्ट जारी की जाती है। खबर पटना
पटना से है जहां कृषि आधारित उद्योग लगाने और युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में कृषि आधारित उद्योग की बिहार में संभवता है। वहीं बिहार में उद्यमी कृषि आधारित छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हैं। बता दें, सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं का सहायता भी कर रही है और आने वाले समय में उद्योग को लेकर बिहार में बड़ा बदलाव दिखेगा। डिक्की एवं ओपेडा के द्वारा ये जो एक दिवसीय कार्यक्रम इस सभागार में चल रहा है, निश्चित तौर पर ये एक सोच है। हमारे यहाँ ढेर सारे उद्यमी बनना चाहते हैं, ढेर सारे बहुत दिनों से अपने काम को कर रहे हैं, थोड़ी उन्हें असुविधा भी हो रही है, कहीं सरकार का, कहीं भारत सरकार का, कहीं कोई बैंक का, तो उस तरह का सारे डिस्कशन होगा और जो कंक्लूड करेगा, निश्चित तौर पे सबों के मन में एक ही है कि बिहार के एग्रो बेस्ड लोग आगे बढ़े, अलग दूसरे भी उद्योग के आगे बढ़ें। खबर मधुबनी से है जहां नगर पंचायत के वार्ड 11 में आनंद नगर घोघरडीहा के रहने वाले 42 वर्षीय युवक का शव घर के पीछे पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को घर के बाहर फेंक दिया गया। बता दें, इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो है तो घर पे सोया था, तीन आदमी से बोल रहा है तब पुताऊ, हम तो थे नहीं सर, सुबह में भी हम 4 बजे आए दुकान खोलने के लिए, हमको क्या पता कैसे हुआ घटना, ये बोल रहा है सर मार के फेंक दिया है। लगे के फसली तो नहीं मरले, तक तो लगे लगे के केना ये हम सब भोर मरलिया, हम तब अपने एक तो भोर खार से रहे। ये अक्सर यहाँ कुछ न कुछ होते है, हनुमान चौक से लेके एकता चौक तो होते ही रहता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हनुमान चौक पे चारों दिशा में सीसीटीवी कैमरा लगे, जिससे पता लगे कि कौन आदमी किधर से जा रहा है। हनुमान नगर में मतलब किसी को रात में घर से बुला करके गला दबा करके मार के उसको फेंक दिया है, तो इस सूचना पर हम आए हैं, यहाँ पर छानबीन किए हैं, तहकीकात किए हैं, घटना के संबंध में पूरी जानकारी मिल गई है और इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया है कि तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार करें और उसके गिरफ्तारी के लिए सारी कार्रवाई की। खबर सहरसा से है जहां पर्यटन स्थल के रूप में विकसित स्थानीय मत्स्य गंधा परिसर में महायोगिनी मेले का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन रक्त काली 64 यागिनी न्यास समिति के अध्यक्ष सह जिला अधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर फीता काट कर एवं मंच पर दीप जलाकर किया गया। मौके पर मेला संवेदक कुमार अमृत राज के जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक नव पद स्थापित उप विकास को मिथिला परंपरा के अनुसार चादर और पाग देकर सम्मानित किया गया। मेले का उद्घाटन किया गया है और लगभग 1 महीने तक ये मेला चलेगा। एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ओपन बिड प्रोसेस से ये पूरी प्रक्रिया की गई और जिसका लाभ ये हुआ कि मंदिर समिति को, जो कि पिछले साल लगभग 30 लाख का जो रेवेन्यू आना था इस मेले के, वो इस साल 51,83,000 में ये मेला जो है आवंटित किया गया है, एक 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से। और ये 1 महीना मेला चलेगा और मेरा सभी सहरसा वासियों से है कि आप इस मेले का लुत्फ उठाइए। देश के कई राज्यों से कारोबारी यहाँ अपना स्टॉल लगाए हैं, जिसमें खास करके झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार के कई जिला से यहाँ पर कारोबारी आए हैं। खास करके मेले में आपको हमारा मुस्कान इंटरप्राइजेज के तरफ से देसी विदेशी झूला लगाया गया है, जिसके हमारे जो मुस्कान इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं कमरूल जी, उनके द्वारा कई तरह के मनोरंजन के झूले लगाए गए। मंदिर कमेटी की तरफ से व्यवस्था है, संवेदक है उनके तरफ से सारी व्यवस्था है और हम लोग खुद अनुशासित हैं। हमारा मेला जो है दुकानदार अनुशासित है, हमारे सहरसा के समाज के लोग अनुशासित हैं, इसलिए व्यवस्था हमारी ये इतनी अच्छी होगी जो पिछले साल से भी ज़्यादा। हम खुशनुमा हैं, बच्चों को भी दिखलाएंगे।
खबर सहरसा से है, जहां जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जिला स्तरीय तरंग मेघा स्पोर्ट्स उत्सव का उद्घाटन किया और इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल उपस्थित रहे। बता दें यह प्रतियोगिता 21 से 23 दिसंबर तक चलेगी और 22 दिसंबर को फुटबॉल और 23 दिसंबर को कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। बता दें इस प्रतियोगिता में सभी 10 प्रखंडों के 410 बालक एवं 237 बालिकाओं ने भाग लिया है। आज तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। हमारे अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 अलग अलग एथलेटिक्स इवेंट्स में बच्चे जो हमारे प्रखंड लेवल पे अपनी प्रतिभा को साबित किए हैं वो आज जिला के लेवल पे आए हैं और आज उन सभी इवेंट्स में उनके बीच में प्रतियोगिता होगी और जो बेस्ट टैलेंट है इनको राज्य के स्तर पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे पहुंचाने का इन सब प्रतिस्पर्धाओं से हम लोग प्रयास करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और मौके पर हजारों लीटर महुआ जावा को भी नष्ट किया। बता दें उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर टीम ने छापेमारी की और 3 बड़े शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और 4000 किलो से अधिक महुआ जावा को विनिष्ट किया और साथ ही साथ मौके से तैयार 40 लीटर शराब को भी जब्त किया। हालांकि छापेमारी की सूचना की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार जगह जगह सूचना प्राप्त होती है और उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लाल बिघा गांव में कुछ लोगों के द्वारा अवैध भट्टी का संचालन किया जा रहा है। उक्त सूचना के आलोक में हम लोग यहां पहुंचे तो यहां पे करीब 4000 kg जावा महुआ को विनष्ट किया गया तथा 30 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। खबर नवादा से है, जहां जहरीली शराब कांड के बाद राज्य की सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन और जदयू कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भले ही घटना छपरा में हुई हो लेकिन इसका असर पूरे बिहार में दिख रहा है। यही कारण है कि लगातार शराबबंदी को पूर्ण सफल बनाने को लेकर फिर से जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार शरीफ के गांधी मैदान में जनता दल यूनाइटेड छात्र विंग के द्वारा जागरूकता अभियान निकाला गया जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने शिरकत की। इस मौके पर जन जागरूकता अभियान में शामिल छात्र ने बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और इस शराबबंदी को जारी रखने की भी अपील की। देखिए मैसेज देना चाहते कि जो माननीय श्री नीतीश कुमार मतलब जो बिहार में शराबबंदी किए मतलब अभी है
वो जारी रहना चाहिए। हमारे घर के महिलाओं लोग को बहुत तकलीफ होती थी, पहले सब जेंट्स लोग आते थे पीकर, शराब पीकर, और बच्चों लोग को भी मारते थे और महिलाओं लोग को भी, लेकिन अब वो नहीं, अब ख़त्म हो गया है। इसीलिए हम नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये जारी रहना ही चाहिए, क्योंकि पहले के महिलाओं को बहुत कष्ट होती थी पढ़ाने में या साथ में बच्चों को भी। इसलिए हम नीतीश कुमार से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ सर, आप जो ये शराबबंदी किए वो जागरूक रहना चाहिए, हमारी महिलाओं आज बहुत मतलब विकसित करना चाहिए। पहले की घर की बेटियों को घर में मतलब कि बंद करके रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए, आज बेटियाँ पढ़ेगी और बढ़ेगी। खबर नवादा से है, जहां डीडीसी दीपक कुमार मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में दहेज मुक्त बाल विवाह और नशा मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीडीसी दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि दहेज मुक्त प्रथा को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महादलित टोला में जाकर लोगों को जागरूक करना था। बता दें, इस दौरान मौके पर कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम।